वेलकम टू ऑलमोस्ट टेक। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे रियलमी 8 डिवाइस में एंड्रॉइड 12 और रियलमी यूआई 3.0 का जो अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म है वो यहाँ पर लाइव हो चुका है। तो इस बीटा फॉर्म को आपको अपने डिवाइस में किस प्रकार से फिलअप करना है, यहाँ पर इस जो बीटा फॉर्म को किन यूजर्स को अपने डिवाइस में अप्लाई करना चाहिए और किन यूजर्स को यहाँ पर इस बीटा अपडेट को मिस करना चाहिए, इस अपडेट से रिलेटेड सारी कुछ डिटेल्स इस वीडियो के साथ प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं रियलमी 8 जो डिवाइस है, इस डिवाइस में आपको एंड्रॉइड 12 और रियलमी यूआई 3.0 का जो अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म को लाइव कर दिया है। तो यहाँ पर अगर आप अपने डिवाइस में इस बीटा अपडेट को इंस्टॉल करना चाहते हैं और इस बीटा फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अपने डिवाइस में कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करते हैं तो आप इस बीटा अपडेट को मिस कर दीजिएगा, आप ऑफिशियल अपडेट का वेट कर लीजिएगा। अगर आप अपने डिवाइस में इस बीटा अपडेट को इंस्टॉल करते हैं तो आपके डिवाइस में कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, जैसे बैटरी ड्रेन इश्यूज, लैगिंग इश्यूज, हैंगिंग इश्यूज, नेटवर्क इश्यूज एंड यहाँ पर और भी कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं आपके डिवाइस में। तो अगर आप अपने डिवाइस में कुछ इंपॉर्टेंट काम करते हैं तो इस अपडेट को मिस कर दीजिएगा। हाँ, उन यूजर्स के बारे में बात करें कि कुछ अपने डिवाइस में इंपॉर्टेंट काम नहीं करते हैं और अपने डिवाइस में आप रियलमी यूआई 3.0 का अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म को अप्लाई करना है, तो उन यूजर्स को यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको आपके डिवाइस की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करना है। वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको राइट टॉप कॉर्नर पर सेटिंग का आइकन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर वहाँ पर आपको ट्रायल वर्जन शो होगा, ट्रायल वर्जन पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको अर्ली एक्सेस या फिर बीटा लिखा हुआ आएगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिर वहाँ पर आपको कुछ सेकंड से देखने को मिलेंगे, उसे वहाँ पर आपको सबमिट करके वहाँ पर आपको जो ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से उस फॉर्म को अप्लाई करना है। वहाँ पर आप अप्लाई कर दोगे तो आपको अपने डिवाइस में जो कि एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। बट यहाँ पर आपके डिवाइस में अगर बीटा फॉर्म लाइव नहीं हुआ है तो आपका जो डिवाइस है 8.22 के न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट पर यहाँ पर अपडेटेड होना चाहिए रिक्वायर वर्जन पर, तभी आपके डिवाइस में ये बीटा फॉर्म लाइव देखने को मिलेगा। अगर आपका डिवाइस 8.22 पर अपडेटेड नहीं है तो आपको रियलमी यूआई 3.0 का जो बीटा फॉर्म है वहाँ पर आपको ट्रायल वर्जन में शो नहीं होगा, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो आपका जो फॉर्म है, एप्लीकेशन सबमिटेड होने के बाद आपका जो फॉर्म है, आपके डिवाइस में जो फॉर्म है अंडर व्यू में जाने के बाद आपका डिवाइस में पास या फिर अप्रूव होगा। यहाँ पर रियलमी की ओर से एक या दो दिन में यहाँ पर ये जो अप्रूव या फिर पास हो जाएगा आपके डिवाइस में। फिर यहाँ पर आपके डिवाइस में बीटा फाइल देखने को मिलेगी जो कि आपके डिवाइस में एंड्रॉइड 12 और रियलमी यूआई 3.0 की होगी। उस फाइल को आप अपने डिवाइस में अगर इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर आपके डिवाइस में 60% का चार्ज होना चाहिए एंड यहाँ पर आपके डिवाइस की 10 GB की फ्री स्पेस भी होना चाहिए, तभी आप एंड्रॉइड 12 और रियलमी यूआई 3.0 का जो अर्ली एक्सेस बीटा अपडेट को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर अपने डिवाइस में कुछ अपना इंपॉर्टेंट डाटा है तो आप उसे बैकअप कर लीजिएगा। अगर आप इस बीटा अपडेट को अपने डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं तो आपका जो डेटा है वो भी क्लियर हो सकता है। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, तभी आप रियलमी यूआई 3.0 का जो अर्ली एक्सेस बीटा अपडेट अपने डिवाइस में इंस्टॉल करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।